हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वोल्केनोज के बारे में। वोल्केनोज का मतलब होता है ज्वालामुखी विस्फोट। आपने हिंदी में तो सुना ही होगा, कोई आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, आपको एक हल्का सा आइडिया होगा कि वोल्केनोज क्या होते हैं। तो बस उन्हीं के बारे में हम आज इन डिटेल पढ़ेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना, वीडियो के साथ साथ में स्टार्ट करें। सो वोल्केनोज क्या होते हैं? एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच गैसेज, मॉल्टन रॉक मटीरियल, एशेज, स्टीम एक्सेट्रा आर एमिटेड आउटवर्ड ड्यूरिंग इरप्शन। देखिए, अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट क्या होती है? ये हमारा अर्थ का सर्फेस है, ये अर्थ की क्रस्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारे अर्थ का सर्फेस है। तो अर्थ के सर्फेस से एक पॉइंट बनता है, ठीक है, एक ओपनिंग होती है, इसे आप कह सकते हैं ये ओपनिंग है, जिसमें से गैसेज है, मॉल्टन, मॉल्टन का मतलब होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, रॉक मटीरियल है, एशेज मतलब धुआं, डस्ट पार्टिकल्स, स्टीम मतलब हीट, ठीक है। ज्वालामुखी में क्या होता है? ज्वाला, आग बाहर आती है, ये हम कहते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जब अर्थ की क्रस्ट में एक ओपनिंग, एक खुला छेद बनने से बाहर आती हैं, तो उसे हम कहते हैं वोल्केनोज। इसको हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन भी कहते हैं, वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी का फटना। सो इन दोज पार्ट्स वेयर रॉक स्ट्रेटा इज रिलेटिवली वीक। अब वोल्केनोज या वोल्केनिक इरप्शन कहाँ होती है? ज्वालामुखी कहाँ फटते हैं? जहाँ पे जो रॉक स्ट्रेटा मतलब जो रॉक्स की स्ट्रक्चर होती है, जो रॉक वाला पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, मतलब अर्थ का सरफेस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वहाँ से ओपनिंग बनती है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। अब देखिए, जो ये ओपनिंग वाला पार्ट है, जिसे मैंने कहा कि एक ओपनिंग होती है जहाँ से एशेज, स्टीम सब कुछ बाहर आता है, इस ओपनिंग को एक नाम दिया गया है जो कि है वेंट, राइट। देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में कमी ना छोड़ें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको जो उसमें समझा रही हूँ वो समझ आ रहा है तो। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्सप्लोजिव नेचर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड। अब वोल्केनो यानी जो ज्वालामुखी का फटना है, जो वोल्केनिक इरप्शन है, कितनी स्ट्रांग है? बहुत बड़ी वोल्केनिक इरप्शन हुई है, छोटी सी वोल्केनिक इरप्शन हुई है, इस हिसाब से इसके एक्सप्लोजिव, इसके विस्फोट के हिसाब से अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे छोटे छोटे पहाड़ हैं, कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स, मतलब लैंड के ऊपर जो भी डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें कहते हैं लैंडफॉर्म्स। तो ज्वालामुखी का कितना बड़ा विस्फोट हुआ है, उस हिसाब से दो तरह के हमारे पास लैंडफॉर्म्स बनते हैं, एक होते हैं प्लेटूज, एक होता है माउंटेन। प्लेटूज होता है इफ वोल्केनो इज नॉट एक्सप्लोजिव, यानी जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था, तो प्लेटूज बन जाते हैं। प्लेटूज क्या होते हैं? इस तरह से देखिए, ये हमारे अर्थ का सर्फेस है, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, लोग रहते हैं, लेकिन इस तरह से हल्का सा ऊपर को हो जाता है एरिया, और यहाँ पे भी बहुत बहुत बड़ा एरिया होता है ये वाला, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, घर है, मंदिर है, स्कूल है, लाइब्रेरीज है, पूरी दुनिया यहाँ भी बसी हुई है, ठीक है। तो इस तरह के एरियाज, इस तरह के लैंडफॉर्म्स को हमने नाम दिया है प्लेटूज, जहाँ पे वोल्केनो जो है ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं फटता है, वहाँ पे वोल्केनोज सॉरी प्लेटूज बन जाते हैं। और इफ़ ए वोल्केनो इज एक्सप्लोजिव, यानी जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट बहुत बड़ा हुआ, वहाँ पे माउंटेन्स यानी इस तरह की पहाड़ियाँ बन जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ आ गया वोल्केनोज क्या होते हैं, जिसमें से मॉल्टन रॉक मटेरियल, एशेज, स्टीम, गैसेज, ये सब चीज़ें बाहर आती हैं, जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं वेंट, और वोल्केनिक इरप्शन वहीं पे होती है जहाँ पे रॉक स्ट्रेटा, रॉक की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। अब इसके एक्सप्लोजिव नेचर के हिसाब से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे प्लेटूज हो गया, माउंटेन्स हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आपने दो टर्म्स हमेशा सुनी होंगी कि मगमा है, लावा है, लेकिन ये मगमा और लावा है क्या, ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मगमा जो है ये एक टर्म है जो यूज़ होती है टू डिनोट द मॉल्टन रॉक्स एंड रिलेटेड मटेरियल सीन इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर अगर आपको मॉल्टन रॉक मटेरियल मिल रहा है, एशेज मिल रहे हैं, स्टीम मिल रही है, गैसेस मिल रही हैं अर्थ के अंदर, तो उसे कहते हैं मगमा, ठीक है। एस्थिनोस्फेयर होता है, ये अपर मेंटल है, हमने पढ़ा था अर्थ के अंदर तीन लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट भी कैसे होती है? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल भी कैसे होती है? अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर भी कैसे होता है? इनर कोर, आउटर कोर। तो जो अपर मेंटल होती है, जिसे एस्थिनोस्फेयर कहते हैं, दैट इज नोन एज द सोर्स ऑफ मगमा। तो कहीं भी क्वेश्चन आए मगमा का सोर्स क्या है, एस्थिनोस्फेयर है। मगमा क्या होता है कि अर्थ के अंदर जो भी मॉल्टन रॉक मटेरियल है, गैसेज हैं, एशेज हैं, स्टीम है, वो सारे क्या कहलाते हैं? मगमा। नाउ लावा क्या होता है? अब अर्थ के अंदर हम उस चीज़ को बोलते हैं मगमा, बट वंस द मगमा कम्स आउट ऑफ द अर्थ थ्रू द वेंट ऑफ ए वोल्केनो। वेंट क्या होती है? ओपनिंग। जब उस ओपनिंग के थ्रू, उस वेंट के थ्रू जो हमारा मगमा है वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच गया, तो उसे नाम दे दिया लावा का, ठीक है। दैट इज मगमा ऑन द अर्थ सर्फेस। मगमा ये अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर बोलते हैं उसको मगमा, अर्थ के बाहर अगर अर्थ के सर्फेस पे वो पहुंच जाए तो उसे बोलते हैं लावा,
ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेज। अब जो वोल्केनिक इरप्शन होती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक्सोजेनिक फोर्सेज का एग्जाम्पल है। एक्सोजेनिक फोर्सेज मतलब इंटरनल फोर्सेज, फोर्सेज इनसाइड द अर्थ और प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द अर्थ। इंटरनल फोर्सेज होती है किसी भी चीज़ के अंदर, यानी अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे जो भी फोर्सेज क्रिएट होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो अर्थ के सर्फेस पे इफेक्ट दिखाई देता है, तो उस टाइम पे उन फोर्सेज को कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेज। ये क्वेश्चन भी आता है कि एक्सोजेनिक है, एंडोजेनिक है, ओरोग्राफिक है, किस तरह के फोर्सेज का एग्जाम्पल है वोल्केनिक एक्टिविटी। तो आपने ध्यान रखना है एक्सोजेनिक फोर्सेज, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक ज़रूर करें, आपको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ तो ज़रूर लाइक करें। प्लस यहीं पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप बिजी हैं, जॉब कर रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो उस केस में इट वुड बी बेटर इफ यू परचेज माय हैंड रिटन नोट्स। क्योंकि क्या होता है ना, पहले किसी काम में व्यस्त हैं, ठीक है, आप नोट्स बनाने लगेंगे तो आपको एक साल तो नोट्स बनाने में लग जाएगा, उसके बाद आप पढ़ेंगे कब, आपका एक साल तो वैसे ही वेस्ट हो गया। तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। फाइन, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो हमने ये पढ़ा कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसिडिक लावा क्या होता है और बेसिक लावा क्या होता है। एसिडिक लावा क्या होता है? विस्कस। विस्कस का मतलब होता है भारी होता है, ठीक है। लाइटर इन कलर, कलर इसका लाइट होता है। हैज़ हायर सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट एसिडिक लावा में ज़्यादा होता है। स्लो फ्लोइंग, अब क्योंकि भारी, विस्कस का मतलब होता है भारी होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये भारी है तो ये फ्लो भी धीरे धीरे करेगा, क्योंकि देखिए पानी है तो पानी को अगर आप फेंक देंगे एक टेबल के ऊपर तो वो एकदम से फैल जाएगा। शहद को फेंकी तो शहद क्या है, धीरे धीरे फैलेगा ना, तो ये फर्क होता है। एसिडिक लावा जो होता है धीरे धीरे फ्लो करता है एंड सॉलिडिफाइज क्विकली नियर द वेंट। वेंट क्या होता है? ओपनिंग। अब जहां से लावा निकला, इस वेंट से निकला और धीरे धीरे फ्लो करेगा तो इसके आसपास ही सारा का सारा जम जाएगा, ठीक है। ये आपका वेंट है, यहाँ यहाँ सारा लावा जम गया, तो ये ज्यादा टाइम तक ट्रेवल नहीं करता है, ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। एसिडिक लावा क्या हो गया? भारी होता है, लाइट कलर होता है, ज्यादा सिलिका कंटेंट होता है, धीरे धीरे फ्लो करता है और सॉलिडिफाई हो जाता है नियर द वेंट। इट प्रोड्यूसेस अ कोन विद स्टीप स्लोप्स। अब इससे कोन प्रोड्यूस होता है जिसकी जो स्लोप्स होती हैं वो स्टीप होती हैं। यूजुअली इरप्ट्स वायलेंटली, एकदम विस्फोट होता है, बहुत वायलेंट, आप समझते हैं ना, एकदम बहुत जोर से विस्फोट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है माउंट स्ट्रॉम्बेली इन इटली। इटली में जो माउंट स्ट्रॉम्बेली है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक लावा इरप्शन। देखिए जो भी जब मेरा ये कंटेंट कंप्लीट होगा वोल्केनोस का, तो लास्ट में मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी इस वोल्केनिक वाली वीडियो में ही, वोल्केनिक इरप्शन में ही, जिसमें डिफरेंट वोल्केनोस कौन सी जगह में है, इक्वाडोर में है, साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है, एशिया में है, कहाँ पे, वो सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक लावा के बारे में। सो जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। बेसिक लावा क्या होता है? इसका बिल्कुल ऑपोजिट, नॉन विस्कस, भारी नहीं होता, बहुत तरल होता है, बहुत लिक्विड होता है। हैज़ लोअर सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट बहुत कम होता है उसमें। कैन रीच वेरी फार फ्रॉम द वेंट बिफोर कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग। जैसे ही इसकी इरप्शन होती है बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाता है, क्योंकि पानी है, पानी एकदम धरती के बाहर निकलेगा, बहुत दूर तक फैल जाएगा ना, तो वही चीज़ बेसिक लावा के साथ होती है। लिक्विड होता है, कम सिलिका कंटेंट होता है, तो जैसे ही वेंट से बाहर आएगा बहुत दूर तक फैल जाएगा, कूल हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। कोन्स शॉर्ट हाइट्स, अब जिसमें कोन्स होते हैं वो बहुत कम हाइट के होते हैं, क्योंकि पानी फैल रहा है तो पानी थोड़ी हाइट रखेगा वहाँ पे, वो तो एकदम फैल जाएगा, है ना। लार्ज बेस एरिया, बहुत सारा एरिया कवर करते हैं बेसिक लावा, क्योंकि लिक्विड है, बहुत एरिया कवर करेगा। शहद तो है ना कि जो कम एरिया कवर करेगा, तो अब इसको लिक्विड जो है, वाटर और जो हनी है उससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने एसिडिक लावा पढ़ लिया, बेसिक लावा पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्केनिक फीचर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आपको आइडिया सा होना चाहिए। लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्ट। ओके, वोल्केनिक फीचर्स में वेंट हमने पढ़ लिया क्या होता है। सेंट्रल पैसेज वे थ्रू विच मैग्मा पासेस। सेंट्रल पैसेज वे मतलब एक ओपनिंग जहां से मग्मा क्या होता है, पास होता है, तो इसको हमने क्या कह दिया, वेंट कह दिया। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर लेक भी हमने पढ़ा है, ठीक है, लेक्स में। तो क्रेटर क्या होता है? सेंट्रल डिप्रेशन अबव द वेंट, वेंट के ऊपर सेंट्रल डिप्रेशन, फ्रॉम विच द लावा इज थ्रोन आउट, जहां से लावा एकदम उठ के बाहर। अब देखिए ये आपका अर्थ है, ये अर्थ के अंदर से निकला, सारी गैसेस, एशेज, सब कुछ निकला, ये वेंट है, ऊपर को गया, फिर इस तरह से आया। तो यहां पे जो पार्ट है इसे कहते हैं क्रेटर, ठीक है।
क्रेटर लेक क्या होती है? व्हेन द क्रेटर ऑफ अ वोल्केनो इज फिल्ड विद वाटर, जब ये क्रेटर मतलब ये एक खाई जैसी है, ठीक है, जब यहाँ पे इसमें पानी भर जाएगा तो इसको बोल देंगे क्रेटर लेक, और ऐसा होता भी है, क्रेटर लेक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक कोन्स, बट इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक पे क्लिक करें, आपके सामने मेरा अकाउंट अपीयर हो जाएगा, वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फाइन, हम पढ़ रहे थे पैरासिटिक कोन्स क्या होते हैं उसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। अ वोल्केनिक इरप्शन मे क्रिएट क्रैक्स इन द वोल्केनो, ये वोल्केनिक इरप्शन हुई, ठीक है, लेकिन क्या होता है कई बार यहाँ से इस तरह से टूट गई, इस तरह से टूट गई, क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लावा में राइज। अब देखिए यहाँ से इस तरह से जारी, यहाँ पे क्रैक्स आ गए, अब यहाँ से क्या हुआ, और लावा बाहर निकल गया, यहाँ से क्या हुआ, और लावा बाहर निकल गया, ठीक है, लावा में राइज। अब इससे क्या होता है, अलग अलग जगह से लावा बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, ये अर्थ है आपकी, यहाँ से ये ओपनिंग है, ये वेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी अर्थ में क्रैक आ गए, यहाँ भी अर्थ में क्रैक आ गए, यहाँ हर जगह क्रैक आ गए, यहाँ हर जगह से लावा बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो हर जगह से क्या होती है, स्मॉल इरप्शन, थोड़ा थोड़ा लावा बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल कोन, मेन कोन, जहां से बहुत ज्यादा लावा बाहर आ रहा है, जो साइड में होते हैं इन्हें कहते हैं स्मॉल कोन्स, प्रिंसिपल कोन एडजेसेंट स्मॉल वोल्केनिक कोन्स। अब जो छोटे छोटे कोन्स होते हैं, इसको 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 इसको, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं हम पैरासिटिक कोन्स, जो एडजेसेंट कोन्स होते हैं। तो आई होप जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया हो, और आपको इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट उन्हें मेरे हैंड रिटन नोट्स का फायदा हो। प्लस अभी मैं करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ा रही हूँ, करंट अफेयर डेली करंट अफेयर्स भी अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप सीरीज एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, अभी वोल्केनिक इरप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जस्ट हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया है, अभी जो मेन चीज़ है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप बस मेरे साथ बने रहें, नोट्स को पढ़ते रहें, अपने नोट्स मेंटेन करते रहें, बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।